दुम्बा कैसे, मतलब जो वो भेड़ वाला दुम्बा होता उसी की नस्ल में वो ना। अच्छा जरा पीछे का इसका पोर्शन दिखाओ यार। तो भैया देखो ये व्यापारी ने एक नई नस्ल निकाल के दिया है गिर दुम्बा, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आप ये मान के चलिए कि छाती में हाथ लगाने में पूरा मुट्ठा बन जाएगा। दादा यहाँ यू बताओ, ये जो है व्यापारी चूतिया बना रहा। ये बताओ जिंदगी में शंकर श्यामा का नाम सुने हो? शंकर श्यामा का नाम हम नहीं सुने। नहीं सुने हो ना? मित्रों नमस्कार, मेले की सीरीज में आपके लिए, पशु के लिए, खरीद फरोख्त के लिए एक वीडियो और है। कुछ वीडियो हमारी देमा मेला की आपने देखी है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और कुछ सब्सक्राइबर के कहने पर, जो व्यूअर के कहने पर, रिक्वेस्ट पर ये वीडियो उधवापुर मेले की है। उधवापुर लोग कहते थे लेकिन उधवापुर नहीं है, ये उधवापुर है और बाराबंकी से हैदरगढ़ रोड पर, बाराबंकी से चलने पर 15 किलोमीटर पर ये एक छोटा सा गांव है और काफ़ी वर्षों से मेला लग रहा है। यहाँ आसपास के पब्लिक इस मेले का इंतज़ार करते हैं और गाय भैंस पड़िया को खरीद करके अपने घर में रखते हैं और दूध अपने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग दूध की व्यवसाय करने के लिए, डेयरी फार्मिंग करने के लिए यहाँ से अच्छे अच्छे पशु ले जाते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इस मेले का मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ वीडियो हमारी भैंस पर भी है जो एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उस पर आप देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में हमने दे दिया है। और कुछ गाय की है, देसी गाय है, यहाँ पर जर्सी हिलस्टेंस की रीजन नहीं है। यहाँ पर जो भी गाय मिलेगी देसी मिलेगी, तो देसी का काफ़ी अच्छा बढ़ावा मिल रहा है और व्यापारी लोग भी किसानों का मूड देख करके पैसा अपना उसी में लगाना चाहते हैं जो पैसा तुरंत बिक जाए, क्योंकि HF और जर्सी में काफ़ी जो है प्रॉब्लम होती है, रिपीट ब्रीडर की प्रॉब्लम होती है, तो उसको अवॉइड करते हैं लोग। तो ये देसी गाय पर कुछ ब्रीड आप देख लीजिए, ये हमारे पास व्यापारी भाई है, इनको मैं बुलाता हूँ, परिचय कराता हूँ। इनके कुछ वीडियो और पड़ी हुई हैं, इनके पास कुछ गाय है, एक एक गाय के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे ताकि आपको इनकी कीमत का अंदाज़ा लगे और आप इनको खरीद सकें। आ जा भाई, इनका तो आप चेहरे से, अगर हमारी पुरानी वीडियो आपने देख रखी है तो पहले से नाम पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट करवा देता हूँ, फ़ोन नंबर इनका रिपीट करवा देता हूँ ताकि अगर आपको देसी गाय ख़रीदना हो, चूँकि ये गाय पर ही काम करते हैं और गाय के लिए फेमस है। तो भाई अपना नाम बता दो जरा। मेरा नाम फरमान है। आपका नाम फरमान है, मोबाइल नंबर भी बता दो। 81 26 65 97। ये आप सारा माल देवा मेला में जो बेच करके उसका फिर नया लाए हैं? जो माल देवा में था वो देवा में बिक गया, यहाँ पे नया माल उतारे। अच्छा जी, मतलब काफ़ी बढ़िया बिका हुआ माल। काफ़ी बढ़िया, मस्त हो गए, मस्त बढ़िया। तो ये गाय कौन सी गाय है, ब्रीड है ये? ये साहिवाल में है। ये साहिवाल में है जी। क्या मांग रहे हो इसका? इसके मांग रहे हैं 45,000। 45,000 तो मांग रहे हो, लेकिन ये कौन सी ब्यात की है? पहला है, दो दांत है, दो दांत है, पहला है, पहला ब्याएगी। हाँ। अंदाजा कितना है दूध ये दे पाएगी? ये दूध देगी 10 लीटर। 10 लीटर दूध देगी। गायक ने अब तक कितना लगाया? गायक ने लगाया 35। 35 45 लगाया, आपके डिमांड 35 तक लगा के छोड़ के चले गए। हाँ। आपने नहीं दिया? नहीं दिया। कसम खा के आयो क्या यहाँ? नहीं नहीं, कसम नहीं, जो 5-4 हज़ार ऊपर नीचे होगा 40। चलो 38 में बिक जाएगी। ये गाय दिखाओ यार, ये गाय कौन सी है? ये भी साहिवाल है। साहिवाल ही में है। इसके क्या डिमांड है? इसके 55,000 है। 55,000 है इसका। कुछ दाम वाम लगा? हाँ, इसका दाम लगे 45। 45 लगे। अच्छा, वो गाय जो है वो गीर में है। ये गीर मिक्स है? हाँ, ये गीर मिक्स है। है ये गीर ओरिजिनल तो नहीं है? नहीं, ओरिजिनल नहीं है, गीर मिक्स है। है ना, गीर साहिवाल मिक्स है। बच्चा है इसका साथ में? हाँ, इसके नीचे बछिया है। बछिया है। कै लीटर दूध दे रही है ये? इस समय 9-10 लीटर निकाल रही है। 9-10 लीटर भूसा खिला के? भूसा खिला के, हाँ, चोकर भूसा डाल के बच्चा पिला के 10 लीटर निकाल लेंगे। तू पीछे चल जा मेरा चच्चा, तुम्हारी एक वीडियो बना दिया हमने, तुमको बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। तो ये इसका सीधी तो बहुत है? हाँ, सीधी बहुत है। कितना रुपया है इसका? इसके 52,000। 52,000 है। लगे कितने अभी तक? इसके 40 लगे। 40 लगे।
मामला जो है बैठा नहीं, नहीं अभी नहीं है? आते हैं लोग, लगाते हैं, बैठ जाएगा आज नहीं कल बैठ जाएगा, आज नहीं बस। हमें तुम्हारे यहाँ एक गाय बढ़िया पसंद आई, उसकी मोटी मोटी छिम्मी जिसको बोलते हैं यहाँ पर थन बोलते हैं हम, तो टी टैनाल बोले हैं, छाती बोलते हैं, ये गाय बहुत बढ़िया हमको लगी। और जरा कैमरे को जरा सा उठा करके लाओ, यहाँ छाती से लेके आओ, पूरा दिखाओ, ये देखिए सीधी है ना, ये देखिए कितनी बढ़िया, ये आप ये मान के चलिए कि छाती में हाथ लगाने में पूरा मुट्ठा बन जाएगा, छोटे मोटे लोग तो नहीं लगा पाएंगे। कितना लीटर दूध है इसका? इसमें ये रात में बच्चा दिया है, दे देगी 15 लीटर दूध, ये 15 लीटर दूध लगा देगा। मतलब रात में बच्चा दिया? रात में बच्चा दिया। इधर हमें ये रात में बच्चा दिया है, तो सुबह से भी लगाए नहीं इसको? लगा दिए एक बार, लगा चुके पहले। कितना लीटर दिया था? इसका कम से कम 8-10 लीटर निकाल दिए। 10 लीटर निकाले हो, शाम को फिर निकालोगे? अभी पेप्सी है ना, पूरी नहीं उतारेंगे, पूरा नहीं निकालना है। तो बच्चा कौन सा, मेल है फीमेल है? बच्चा भी यही, बच्चा यही है, बछड़ा है कि बछड़ी है? बछड़ा है, बछड़ा है। हाँ बछड़ा है, पर गिर है, गिर है, क्योंकि बछड़े की गिर की कीमत होती है, वो ब्रीडर तैयार करते हैं। वो अपने यहाँ अगर मान लिया 10 गाय हैं, वहाँ पर एक अगर गिर का जो है सांड हो जाएगा तो क्रॉस कराने में बढ़िया रहेगा। लोग पालते हैं अपने फार्म में पालते। ये तो अभी इसी समय उतारे हो? हाँ। पहली गाय, पहला ब्याह था, दूसरा ब्याह था? ये दूसरा ब्याह है। दूसरा ब्याह है, 4 दांत बच्चा। क्या डिमांड है इसकी? इसके 85,000। 85,000 है। लगे अभी तक कितने? लगे हैं 60 तक। 60 तक लगे, यानी लोग आगे बढ़ नहीं पाए? नहीं बढ़ गए, आज नहीं कल बढ़ गए। कितने दिन तक यहाँ मेला रहेगा? बस मेला तो 2-3 दिन रहेगा। आज क्या तारीख है? 6 तारीख। 5-9 तारीख तक रहेगा, 10 तारीख तक उड़ जाएगा। उसके बाद कहाँ जाओगे आप? उसके बाद में कोटवा धाम जाएंगे। उसके बाद कोटवा धाम चले जाओ, कोटवा धाम बड़ा मेला होता है ना, धाम का मेला होता है। इधर आओ जरा सर, ये तो साहिवाल में है बच्चा? ये शंकर श्यामा। अब फिर आए शंकर श्यामा, नया नाम डाल देते हो, शंकर श्यामा। शंकर श्यामा दादा यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यू बताओ, यहाँ रहो, यू जो है व्यापारी चूतिया बना रहा। ये बताओ, जिंदगी में शंकर श्यामा का नाम सुने हो? शंकर श्यामा का नाम हम नहीं सुने। नहीं सुने हो ना, एकदम काली है ना, नया नई नस्ल बता रहा। शंकर श्यामा का नाम भैया नहीं सुने? हाँ देख लो है? और बाकी तो बता दो नाम है। अब देखो दादा बुजुर्ग आदमी है, शंकर श्यामा का नाम नहीं सुने, अरे पता नहीं कौन कौन नस्ल बना दे रहे, ऐसा बता दो यार। हाँ देख लो है, मतलब थोड़ी कलर में है शंकर श्यामा, व्यापारी लोग अपना जो है अच्छी लगती है तो उसका नाम रखते हैं, और काली छाती होती है तो श्यामा एक थोड़ा सा देखने में अच्छा होता है, रामा और श्यामा, तो रामा और श्यामा का नाम की वजह से थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है, बाकी कोई नस्ल वसल नहीं होती है। ये क्या रेट है इसका? इसके 55,000 है। 55,000 मांग रहे हो, पहला है ये? ये पहला है, 2 दांत है। अच्छा 2 दांत की है ये। कितने महीने गाभिन है? नहीं तैयारी है। तैयार है? 10 दिनों बच्चा। अच्छा 10 दिनों बच्चा दे देगी। टैगिंग वगैरह हुआ है कान में क्या? नहीं। अरे नहीं है, ये टैगिंग वाली गाय है, ये तो टैगिंग वाली गाय है, कान में टैग लगा हुआ है? वो करनाल में लगा देते हैं। करनाल में लगाते हैं, वो मान के चले आधार कार्ड लगा हुआ उसका। ये क्या रेट है? 55,000। और भी है जानवर? जानवर बहुत है, बहुत जानवर है। उधर पीछे बांध रखे? नहीं सामने बने। वो छुपा करके बांध रखे? नहीं नहीं छुपा के नहीं। वो सामने कुछ जानवर बंधे हुए हैं, कुछ गाय है, देखिए उसके अंदर काफी अच्छी अच्छी गाय है, उसमें एक राठी मिक्स गाय है, सबसे किनारे राठी मिक्स लगी हुई है, और एक हरधेनु टाइप की गाय दिख रही है जिसको ये श्यामा बोलेंगे। तो इस तरीके की गाय है। ये वीडियो, ये मेला आपको कैसा लगा? अभी तक शायद जानकारी ना हो उधवापुर कहाँ लगता है, उधवापुर
बहुत लोग नहीं जानते, देवा मेला जानते हैं, कोटवा धाम जानते हैं, बाकी यहाँ पर जाफरगंज मंडी जानते हैं, मसौली मंडी जानते हैं, तो यहाँ के लोकल लोग या बाहरी लोग जो भी देखें मंडी होती है, ये मेला होती है, आइए वो सारी रोज की मंडी होती है, लेकिन ये कोटवा धाम, देवा मेला और उधवापुर मेला और एक पहाड़ापुर मेला, ये चार मेले यहाँ लगते हैं। बाकी और एक मेला सुबेहा में लगने का वो है, जो शायद 15 दिसंबर से तक, 30 दिसंबर तक लगेगा, वो 30 दिसंबर तक लगेगा। तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, गाय खरीदना चाहते हैं, जानवर खरीदना चाहते हैं, शौक है आपके पास, तो हमारी वीडियो के माध्यम से आप आ सकते हैं। और लोगों को अगर जानकारी देना चाहते हैं तो वीडियो को अपने यार दोस्त मित्रों में ज़रूर शेयर करें। एक नस्ल हो रही है हमारे पास, कौन सी? ये गिर दुम्बा है, गिर दुम्बा नस्ल। अच्छा जी, ये दुम्बा, दुम्बा मतलब क्या है ये इसके अंदर? अच्छा, मारेगी तो नहीं? नहीं नहीं मारेगी। ये दुम्बा कैसे, मतलब क्या होता है इसका? ये करनाल वाले बनाए हैं अपनी तरफ से। ये आप गाय लाए किस जिले से? हम पंजाब से, करनाल के पास। नहीं, पंजाब से लाए कि करनाल से लाए? हरियाणा पंजाब करनाल एक ही। अरे यार, वो हरियाणा में पड़ता है करनाल, पंजाब आगे निकल जाता, करनाल ये को करनाल से लाए, करनाल से पता लग जाएगा। हाँ, तो करनाल से ही मान लीजिए। तो ये वहाँ पर लोग इसको दुम्बा गिर बोलते हैं कि गिर दुम्बा बोलते हैं? तो इसका एक स्पेशल कैटेगरी है वहाँ पर है। इसका थन वन दिखाइए, थन तो इसकी छाती बड़ी छोटी है। पहला है ना? अच्छा, ये पहली गाय है, पहला है। पीछे से ये दुम्बा एक होता है। दुम्बा कैसे, मतलब वो जो वो भेड़ वाला दुम्बा होता है उसी की नस्ल में वो ना? जो भेड़ लोग रखते हैं ना, तो दुम्बा होती उसी नस्ल में से। अच्छा, जरा पीछे का इसका पोर्शन दिखाओ यार, ये पोर्शन दिखाओ। हाँ, ये पोर्शन दीदी बोल रहे पैर उठा। हाँ, तो भैया देखो, ये व्यापारी ने एक नई नस्ल निकाल के दिया है, गिर दुम्बा। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देख लो। तो इसकी क्या डिमांड है? इसके 50,000। ये 50,000 है? तो ये तो बहुत बढ़िया है, दरअसल आप लेके आओ तो वो 85,000 रुपये मांग रहे हो क्यों? अच्छा, ये एक ही आई है। अच्छा चलिए, अभी ये पहली गाय है, देखो कितना लीटर दूध देगी। ले एक्सपेक्टेशन ये कितना इसका दूध, कितना अनुमान लगाया जाए? अनुमान लगा रहे हैं इसका 13-14 लीटर, जिसकी मदर थी वो 12 लीटर ले गड़वा। अच्छा, इसकी मदर जो है 14 लीटर दूध दे रही थी, और ये जो है गिर दुम्बा में है, तो ये अंदाजा ये लगा रहे हैं कि 13-14 लीटर ये भी दूध देगी। कैसा, आप वीडियो एक्सप्लोर किए हैं, आपने देखा, आपने वीडियो प्यार दिया है, आपको ये वीडियो, गाय की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो अपने मित्रों दोस्तों को ज़रूर आप भेज दीजिए, और मेला में भेजिए अगर उन्हें लेना चाहते हैं। यहाँ ना मिले तो अगला पड़ाव, अगला मेला कोटवा में ये सज्जन मिल जाएंगे। इनका चेहरा दिखा दो, है ये सज्जन मिलेंगे और आपको गाय देंगे। काफ़ी तोड़ताड़ करते हैं, रेट आप अच्छा लगाइएगा, घिसिएगा, पैसा जो है 1,000-2,000-4,000 कमा करके ही देगा आदमी, कोई घाटा खा के नहीं देता है, कमाने के लिए है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।